हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से आम वर्ग पे इस भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात करने का काम किया है, आज राजस्थान में कोई वर्ग दुखी है तो राजस्थान का किसान वर्ग दुखी है। आज किसान की कमर तोड़ने का काम इस जगह में भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज राजस्थान के किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या कर्जे की है, उस कर्जे को माफ करने के लिए हमने सड़क से लेकर विधानसभा तक इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया और हमने सरकार को मजबूर किया कि यदि राजस्थान के किसान को सशक्त और मजबूत करना चाहते हो तो राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो। लेकिन सरकार के कान पर क्यों नहीं रंगी और किसानों को ठगने और बरगलाने का काम इन्होंने और किया तो 50,000 रुपए तक का कर्जा जो माफ किया, उस 50,000 रुपए का कर्जा उस किसान को फायदा नहीं मिला, उस किसान को ठगने और बरगलाने का काम किया। आज राजस्थान का युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा प्रदेश के जवान है वो सड़कों पर भटक रहा है रोजगार के लिए, उसको रोजगार नहीं, अरे रोजगार और नौकरी तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने प्रदेश की 18,500 स्कूल बंद कर उसमें 26,000 से ऊपर जो विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे उन विद्यार्थी मित्रों के पेट पर लात मारकर और घर भेजने का काम इस मित्र भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज अपन कानून की बात करें, कानून व्यवस्था बिल्कुल प्रदेश के अंदर चौपट हो गई। एक बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राजस्थान की बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन जिस तरीके से गैंगरेप की घटनाएं हो रही है ये कोई किसी से छुपी हुई नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कानेर जिले के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है और राजस्थान का जो गृहमंत्री कह रहा है जिस तरीके से बयान दे रहा है कि हमारे पास बिल्कुल पुलिस नहीं, क्या हम घर घर पुलिस बिठा दें, ये हालात पूरे प्रदेश के हो गए। तो साथियों समय आपका है, आज राहुल गांधी जी आपको एक संदेश और संकल्प देने के लिए आए हैं, वही संदेश और संकल्प हमें गांव घानी खेत तक ले जाना है और आने वाले इस 2018 के चुनाव में उस विधानसभा के अंदर हाथ के निशान पर उस पंजे के निशान का बट्टा छुपाकर और राहुल गांधी जी के सपने को साकार करने का काम आपको एकता और संकल्प से करना है। नई नई शब्दों के साथ में दुआ सभी साथियों का धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।